तो यार कैसे हो गाइस, क्या हाल चला है? तो यार फिर से भाई आपके लिए लेके आया हूँ Asus ZenFone Max Pro M1 की एक और नई रोम। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चेरिस OS के लेटेस्ट वर्जन के बारे में, जो है एंड्रॉइड 11 बेस्ड। तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे हो वर्जन है 2.3 जो है ऑफिशियल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 मार्च का कुछ सिक्योरिटी पैचेस के अंदर मिल रहा है पर प्लस करने वाला जो लेटेस्ट यूज़ किया गया है। तो यार बात करेंगे इसी रोम के बारे में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी गाइस इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं न्यू टेक्नो चैनल। चलिए गाइस वीडियो करें स्टार्ट और बात करें इसी रोम के बारे में। तो यार यहाँ पे गाइस सबसे पहले बात आती है सेफ्टी नेट के बारे में। तो आपको जो है इनके अंदर कोई भी इशू जो है इसके अंदर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो CTS प्रोफाइल बेसिक इंटीग्रिटी आपको जो है ट्रू मिलेगी। यहाँ पे बात करें नेटिव रूट चेकर की, तो इसके अंदर आपको जो है सेलिनक्स पे जो है आप देख पा रहे हो रेड क्रॉस आपको इसके अंदर मिलेगा। बाई डिफॉल्ट इसके अंदर जो है आपको वो रूटेड ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गाइस जो है आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है, कोई ऐसा इशू आपको इसके अंदर नहीं आएगा। गीकवेंस स्कोर की बात करें तो वो भी इसका गीकवेंस स्कोर है जो वो भी बिल्कुल अच्छा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 266 सिंगल कोर और मल्टी कोर पे 1109। फिर ये है इसका गीकवेंस स्कोर। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो ये जो है कैंग OS का गीकवेंस स्कोर है, तो आपको जो है इसके अंदर डिफरेंस भी दिख रहा होगा थोड़ा सा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद गाइज यहाँ पे बात करें इसके अंदर SBI योनो की, तो इसके अंदर जो है ये क्रैश करेगी आपको जो है इसके अंदर इशू मिलने वाला है आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जैसे ही होती है लोडिंग तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है क्रैश कर रही है। फिर इसके अंदर जो है आपको इशू मिलने वाला है, इसके अंदर जो है ये वर्क नहीं करेगी। योनो लाइट है जो उसको आप जो है यूज़ कर पाओगे, गूगल पे भी वर्क करेगी। यहाँ पे बात करें कैमरा ऐप की, तो कैमरा ऐप आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कलर्स है गाइस सब कुछ आपको जो है इसके अंदर अच्छा मिलने वाला है। वीडियो के अंदर भी आपको जो है अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे गाइस जो है ये परफेक्टली वर्क कर रही है। इसके अंदर आपको ग्रीन स्क्रीन ऐसा कोई एरर नहीं मिलेगा। फ्लैश लाइट आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्रंट कैमरा के अंदर, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो है आपको कोई फ्लैश लाइट का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फोटो के अंदर बात करें तो फ्रंट कैमरा के अंदर आप देखो यहाँ पे आपको जो है फेस एनहेंस का ऑप्शन इसके अंदर जो है मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको फ्लैश लाइट का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आप जो है इसको कर सकते हो यूज़ अगर आपको करना है। कैमरा ऐप अच्छी है, इसके अंदर कोई इशू आपको जो है नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो है ज़्यादा कुछ इसके अंदर फीचर्स नहीं दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें क्विक टाइल्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है ये कुछ इसके अंदर जो है क्विक टाइल्स मिलने वाली है। यहाँ पे बैटरी सेवर की बात करें तो आप देख पा रहे हो परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे डेटा कार्ड का जो आप ऑप्शन देख पा रहे हो स्विच का, ये भी जो है परफेक्टली वर्क कर रहा था। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी जो है इसके अंदर वर्क कर रहा है परफेक्टली। इसके अंदर जो है आपको, आप देखो यहाँ पे जो है आपको कोई ज़्यादा कुछ लैगी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हल्का सा लैग आपको इसके अंदर देखेगा, लेकिन जो है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप जो है अगर किसी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसके अंदर जो है कर पाओगे, तो इसके अंदर आपको जो है कोई इशू नहीं आने वाला। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेव हो चुके हैं परफेक्टली। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इस कुछ और क्विक टाइल्स की, तो यहाँ पे आप देखो आपको जो है यहाँ पे ZenPerto यहाँ पे नाइट लाइट आपको सब कुछ मिल जाता है। नाइट लाइट की जो इंटेंसिटी आप देख पा रहे हो बिल्कुल अच्छी आपको जो है इसके अंदर मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे बात करें कुछ और फीचर्स की, तो वो आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो। तो यार जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पे आपको जो है सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डार्क थीम है जैसे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो कुछ स्लिप स्क्रीन है, एम्बियंट डिस्प्ले, ऑडियो मोड, स्क्रीनशॉट, CPU इन्फो। इसके बाद यहाँ पे बैकलाइट, डिमर, सब कुछ आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है। तो डार्क थीम की बात करें तो ये भी जो है इसके अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको जो है, आप देखो यहाँ पे कस्टम टाइमिंग ऑप्शन आपको जो है इसके अंदर मिल जाता है, इसको भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। तो इनके अंदर आपको जो है कोई इशू नहीं आने वाला है, इनको आप जो है ट्राई करो, इसके अंदर आपको जो है कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इस परफॉर्मेंस की, तो रोम की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल अच्छी आपको इसके अंदर जो है मिलने वाली है। इसके अंदर आपको जो है लैग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे गाइस बात करें कॉलिंग की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वाईफाई कॉलिंग जो है परफेक्टली वर्क कर रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे साउंड भी आपको जो है इसके अंदर अच्छी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन आपको जो है इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ये एक आपको जो है इसके अंदर फीचर जो है मिसिंग मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बात करें साउंड क्वालिटी की, तो वो भी आपको जो है इसके अंदर अच्छी मिलने वाली है, इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी साउंड क्वालिटी में इसकी। तो यहाँ पे गाइस आप देखो आपको जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा म्यूजिक इसके अंदर दिखाता हूँ, तो आप जो है इसको देखना। तो यार यहाँ पे जो गाइज आपने देखा यहाँ पे जो क्वालिटी है साउंड की, वो आपको जो है इसके अंदर अच्छी मिलने वाली है। लाउडनेस भी इसके अंदर जो है ओके आपको मिलेगी। तो इसके अंदर जो है साउंड भी आप जो है परफेक्टली जो है एक्सपीरियंस कर पाओगे, इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें साउंड की यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसको आप जो है ट्राई कर सकते हो जो भी आपको ट्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कुछ फीचर्स की, तो गाइज आपको जो है इसके अंदर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो
यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है, इसके बाद लास्ट फुल चार्ज, स्क्रीन यूजेज, इसके बाद बैटरी टेम्परेचर, ये सब कुछ आप जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट चार्जिंग भी जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे यूजेज की बात करें तो आप देखो पबजी मोबाइल की यूजेज इसकी कुछ ऐसी है, तो मैं कहे ये जो है मुझे लग रहा कि इसके अंदर जो है ठीक से शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 7 आवर्स के अंदर जो है 49% ये शो कर रहा है। तो ये मैंने गेमिंग तो इसके अंदर इतनी की है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो इसके अंदर जो है रोंग इसके अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रीन यूजेज आप देख रहे हो ये जो है इसकी सही है, लेकिन जो है वहाँ पर परसेंटेज इसने जो है गलत शो किया है। तो इसके बाद यहाँ पे बात करें चार्ज सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको जो है सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, तो इसको आप जो है ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार के कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इनको आप जो है चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग के कुछ ऑप्शन है, तो गाइस आपको पता ही होगा चेरिस हो वैसे आपने जो है पहले भी ट्राई की होगी, अगर नहीं किया तो आप जो है एक बार इसके अंदर जो है देख सकते हो सब कुछ जो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर भी जो है सब कुछ इसके अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है, इनके अंदर आपको जो है कोई इशू नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कुछ लॉक स्क्रीन के बाद पावर मेनू की, तो यहाँ से आप जो है पावर मेनू का जो आप एनिमेशन देख रहे हो इनको आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और आपको ऑप्शन मिलते हैं नोटिफिकेशन के, तो इनको भी आप जो है चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है लाइट पल्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, सब कुछ आपको जो है बैटरी चार्जिंग लाइट और नोटिफिकेशन लाइट ये सब कुछ आपको मिल जाता है, तो इनको आप जो है यूज़ कर सकते हो। मिसलेनियस के अंदर आपको गेमिंग मोड, स्क्रीनशॉट टाइप, इसके बाद वॉल्यूम स्टेप, ये ऐसे ऑप्शन जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा, इनको आप जो है ट्राई कर सकते हो, तो इनके अंदर आपको जो है कोई इशू नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखो अभी जो है डबल टैप का ऑप्शन है, इसके अंदर जो है डबल टैप टू स्लीप के लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको जो है यहाँ पे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ स्टेटस बार के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो गाइज आपको जो है यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा जो आप यहाँ पे देखते हो। तो इसके बाद यहाँ पे आपको जो है बैटरी इंडिकेटर और ऐसे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे बात करें डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो है डबल टैप का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, जो आप यहाँ पे देखो टैप टू वेक आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो बात करें इसकी वर्किंग की, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है डबल टैप टू वेक इसके अंदर। तो इसके बाद गाइज आपको जो है इसके अंदर डबल टैप टू स्लीप भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फेस अनलॉक जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आप गाइज जो है उसको भी यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे जो है टैप का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है सर्च इसके अंदर देखो आप जो है वर्क नहीं कर रहा है, कई बार आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है सर्च इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो है आपको जो है उसको चेक करना पड़ेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा। सारे ऑप्शन ऐसे मैंने जो है इनके अंदर यूज़ नहीं किए, लेकिन गाइज मैंने जो है इसके अंदर डबल टैप यूज़ किया था जो इसके अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो उसको जो है आप यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट के और बाकी उनकी बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है पैटर्न और सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है, इनको आप जो है ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है सब कुछ मिल जाता है, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऐप लॉक का कोई ऑप्शन इसके अंदर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, स्क्रीन लॉक सब कुछ इसके अंदर जो है अवेलेबल है, तो इनको आप जो है ट्राई कर सकते हो। प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करें, तो वो भी आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगी, जो आप यहाँ देख पा रहे हो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, तो इसके अंदर भी आपको जो है कोई इशू नहीं मिलने वाला है। कॉलिंग भी परफेक्टली वर्क कर रही है, यार सब कुछ जो है इसके अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे बात आती है कुछ फीचर्स की, तो जेनपैड के अंदर जो है वाइब्रेशन स्ट्रेंथ इसके अंदर वर्क नहीं करेगा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसके अंदर जो है मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा, जो वाइब्रेशन है वो सेम आपकी रहेगी, तो आप जो है इसको ट्राई नहीं कर पाओगे। हेडफोन माइक्रोफोन गेन आप जो है चेक कर सकते हो, मैं गाइस जो है इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरा जो यहाँ पे सब कुछ ओके है, तो अगर आपका जो है इसके अंदर इशू है तो आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपके हेडफोन माइक्रोफोन के अंदर कुछ इशू है तो आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको जो है डार्क थीम, नाइट लाइट और ऐसे सब ऑप्शन मिल जाएंगे, तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ये भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इनको आप जो है यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कुछ और फीचर्स की, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ और देख पा रहे हो प्राइवेसी, इसके बाद स्टोरेज है, इसके बाद यहाँ पे अकाउंट और ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो यार आप जो है इनको कर सकते हो ट्राई सबको। तो आप गाइज बताओ आपके रूम कैसे लगे, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ गाइज मैंने आपके लिए जो है कुछ नई सीरीज स्टार्ट की है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिलेगी आपके लिए। सबसे पहले मैंने जो है S21 Plus 5G और इसी के साथ F62 और इसी के साथ जो सैमसंग का A12 आया है, इनके जो रिव्यू आपके लिए डाले हैं, तो आप जो है उनको जरूर से जरूर चेक करना और मुझे बताना आपको वो फोन कैसे लगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर गाइज इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय। और गेमिंग चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जो है उसको सब्सक्राइब करो।